ए और कंपोनेंट बी इस्तेमाल होगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि कंपोनेंट ए, पहला जो केस होगा इसका, पहला केस होगा कि कंपोनेंट ए हमारा लिक्विड है, लिक्विड है, और कंपोनेंट बी भी हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड वेपर प्रेशर होगा, याद रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म इन सॉल्वेंट इज लिक्विड, द सॉल्यूट कैन बी, अब यहां पे गैस और सॉलिड और लिक्विड, ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका होगा कि कंपोनेंट ए यहां गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड के बारे में, लेकिन इधर लिक्विड ही होना होगा। जैसे यहां गैस हो सकता, सॉलिड मैं दे रहा हूं, यहां सॉलिड हो सकते हैं, यहां लिक्विड ही होना होगा। अब ये जो लिक्विड है कंपोनेंट बी, याद रखो ये सॉल्वेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं राइट साइड में जब लिखता हूं तो वो मैं सॉल्वेंट ही लिखता हूं, और लेफ्ट साइड में जो लिखता हूं वो सॉल्यूट ही रहता है हमारा। तो वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन के तीन केसेस है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और तीसरा जो होता है गैस इन लिक्विड। तो ये जो गैस इन लिक्विड की पढ़ाई हो चुकी है, गैस इन लिक्विड की पढ़ाई हमारी हो चुकी है, इधर कोई प्रॉब्लम है, सॉलिड इन लिक्विड की पढ़ाई हो चुकी है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में हमारा मेन जो है वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। मैं अगर मान लू ये हमको, ये हमारी पढ़ाई हो चुकी, ये वाली लाइन जो है हमारी पढ़ाई हो चुकी, ये हमारी पढ़ाई हो चुकी। अब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताया था। तो अगर मैं मान लू कि कंपोनेंट ए, लिक्विड इन लिक्विड के बारे में मैं बोल रहा हूं, कंपोनेंट ए जो है उसका पार्शियल प्रेशर पी वन है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और कंपोनेंट बी जो है उसका भी पार्शियल प्रेशर पी टू है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पी टू। मैंने मान लिया कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर पी वन, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर पी टू मान लिया, और एक्स वन है वो मोल फ्रैक्शन मान लिया, एक्स वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और एक्स टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ऑफ कंपोनेंट बी, ये मैंने मान लिया, यहां पर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, ये हमने मान लिया, ठीक है सबको। तो अगर मैं ये, और फिर अगर मैं ये कहूं कि टोटल प्रेशर, अगर इस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूं तो टोटल प्रेशर होगा पी वन प्लस पी टू, क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, वो इंडिविजुअल पार्शियल, लेकिन सॉल्यूशन का तो मैंने कहा कि ये दोनों पढ़ाई हो चुकी है हम लोगों की, ये दोनों, ये हमारा पढ़ाई हो चुका है, तो ये दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ये दोनों को मिला लू, इस दोनों को मिला लू तो हमारा टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस क्या हो जाएगा पी टू। ये किसका है, सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। तो इसी बात को ये, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग वन मान लेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। इसी बात को फ्रेंच केमिस्ट ने फ्रैंकोइस्टियो मैरिट रॉड्स, पूरा नाम है फ्रैंकोइस्टियस मैरिट रॉड, नाम लिख लेंगे। इसी बात को फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस, फ्रैंकुइस, एफ आर ए एन सी ओ आई एस, फ्रैंकुइस, फ्रैंकुइस मार्टी, एम ए आर टे मार्टे, फ्रैंकुइस मार्टे रॉड्स, आर ए ओ यू एल टी, फ्रैंकुइस मार्टे रॉड ने स्टेटमेंट दिया, कितने कब में दिया, 1886 को, 1886 को, याद रखिए, द फ्रैंकिस केमिस्ट फ्रैंकिस मार्टी रॉड्स ने 1886 को स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाया बिटवीन द, बिटवीन देम इज नोन एज, उसको बोलते हैं रॉड्स लॉ, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, बिटवीन देम किसके किसके बीच में, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम नोन एज रॉड्स लॉ, नोन एज
नोन एज रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ, ओके, नोन एज रॉड्स लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नोन एज रॉड्स लॉ। ये रॉड्स लॉ जो है विच स्टेट दैट, इसके मतलब स्टेटमेंट, इतना बोर्ड में जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए, ये क्लियर है सबको। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये मैं हटा रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, आपको यहां पढ़ना है, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, 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 यू रिमेंबर, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट, रिमेंबर, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन दिस सोल्यूशन, इन दिस सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, टू इट्स, टू इट्स मोल फ्रैक्शन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देख लीजिए, ये स्टेटमेंट दिए थे रॉड्स ने, रॉड्स ने स्टेटमेंट दिया, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक अगर मैं बात करूं, इस लॉ के मुताबिक अगर मैं बात करूं, तो हमारा क्या होगा कि पहला जो टर्म्स होगा इस लॉ के मुताबिक, हमारा दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, तो कंपोनेंट ए के लिए, हमारा कंपोनेंट ए के लिए पी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन हो जाएगा, और कंपोनेंट बी के लिए हमारा पी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू हो जाएगा, इस लॉ के मुताबिक जो कहा गया। अब यहां पर प्रोपोर्शनल हटेगा तो P1 is equal to P1 node, हम लोग इसको बोलते हैं P1 node, X1, ये P1 node क्या है, where P1 node is the vapor pressure of pure component, P1 node is the vapor pressure, the vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component, pure component A, vapor pressure of pure component A at the same temperature, at the same temperature, और उधर की बात करें तो फिर हम इसको लिख पाएंगे, तो P2 proportional हटेगा और P1 note लिखे तो P2 note X2 हो जाएगा, और वहां P2 note जो होगा वो is the vapor pressure of pure component, pure component at the same temperature, at the same, yeah, please. So, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to mole fraction. अगर मेरा binary solution है, तो दो component होंगे, और उस दो component के मुताबिक हम लोग इस बात को देखेंगे। अब चूंकि हमने पीछे equation one माना था, याद कीजिए मैंने equation one माना था, तो अगर मैं इसे हटा रहा हूं, अगर मैं इसे
ठीक है, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, इक्वेशन वन में जैसे लिखा था कि P total is equal to P1 plus P2, ऐसे लिखा था मैंने, तो P1 is equal to कुछ वैल्यू है, मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, P1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ P1 not X1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और P2 की जगह मैं लिख सकता हूँ P2 not X2, ये हो गया हमारा P total, यानी P total is equal to total जो प्रेशर है, P total हम इसको PT बोलते हैं, P total is equal to, ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा जो मैंने पीछे माना था और उसके मुताबिक ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x1 plus x2 is equal to 1 होता है। सर हाँ सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तो x1 is equal to क्या लिखेगा, 1 minus x2, तो x1 की जगह पे हम यहाँ पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पुट कर 1 minus x2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P2 is equal to P1 not x1 की जगह 1 minus x2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और ये P2 not और x2 ऐसा लिखा जा सकता है जैसे मैंने बताया आपको। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा वैल्यू हो जाएगा P1 not minus P1 not x2 plus P2 not x2, यहां तक आएंगे हम लोग ये प्रॉब्लम को लेकर के। फिर हम इसी चीज को इस तरह लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है हमारा इसको हम P1 not ये PT हो गया, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं PT is equal to माइनस में उधर कर दे रहा हूं, तो P1 not plus P2 not x2 minus P1 not x2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मैंने प्लस वाले को माइनस को उस तरफ कर दिया, इसका रीजन क्या है, x2 में से मैं कॉमन निकाल सकूंगा, P2 is equal to P1 note plus, अब जो हमने कहा कि P2 note minus P1, ये हम लिख सकते हैं इस तरह, x2 अगर बाहर निकालेंगे तो P2 note minus P1 note, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, P1 note plus x2 P2 note minus P1 note, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। This is your equation number 3. Thus, from the above equation 3, we get, ये equation 3 से हम लोगों को क्या मिलेगा? Thus, from the above equation 3, we get, हमको क्या मिलेगा? Number 1, पहला भाग, के total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one compound. पहला point क्या मिला? Total vapor pressure, यानी PT, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, यानी टोटल वेपर प्रेशर पूरा सॉल्यूशन का रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड। दूसरा इसका बात, दूसरा नंबर जो पॉइंट होता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, याद रखेंगे टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, वही बात लिखेंगे ओवर द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली याद रखेंगे वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू या कंपोनेंट बी, कंपोनेंट टू या और करके बी, ए बी माना था तो ए बी होगा, और पहला वाला में क्या था ऑफ एनी कंपोनेंट, दूसरा वाला में टोटल वेपर ओपन सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ये क्लियर है पॉइंट। तीसरा जो इसका पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू टोटल वेपर प्रेशर ओपन सॉल्यूशन डिक्रीजर और इंक्रीज विद इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। तीसरा जो इसका पॉइंट है, नंबर थर्ड सी नंबर पॉइंट,
सी नंबर पॉइंट, रिमेम्बर सी नंबर पॉइंट, अगर मैं सी नंबर पॉइंट में बात करूं, हैं क्या बोल रहे हो? हेडफोन नहीं लगा है, हेडफोन चार्ज हो रहा है अभी, जो सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगा ना हम लोग का, जो वीडियो कटता है बीच में, उसके बाद हम हेडफोन लगा लेंगे, चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ? बी नंबर कट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन दी, अपॉन दी ये डिपेंडिंग अपॉन दी वेपर प्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, डिपेंडिंग अपॉन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, वन एंड टू ए और बी भी ले सकते हैं, वन एंड टू भी ले सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन, विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, या वन या ए, एक ही बात, क्लियर है? तो ये जो बात हम लोग यहां सीख रहे हैं, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ही के अंदर दो डिवीजन आती है। रोको इसको वीडियो को। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट वन एंड टू, टोटल वेपर प्रेशर, वेरी गुड जमा, मैं गिराफ से दिखा रहा हूं, ठीक है ना? मैं गिराफ से दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं मान लू अगर कि एक्स वन हमारा, एक्स वन अगर जीरो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक्स वन, ठीक है ना? इस तरह से मैं बना रहा हूँ, x1 उधर रखा, आप x2 इधर रख सकते हैं, x1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x1 जीरो इधर रखा तो इधर से स्टार्ट होगा मेरा मोल फ्रैक्शन, इधर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ आते आते हमारा x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसमें तो x1 का, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा कि मान लीजिए सपोज दैट के ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और ये धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर बढ़ा, मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से वेपर प्रेशर आपका बढ़ा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बढ़ा। तो यहां पर जो है ये कंपोनेंट वन हो गया हमारा, और ये जो प्रेशर अप्लाई हुआ ये पी वन हो गया धीरे धीरे, और यहाँ पे मैक्सिमम है इस जगह पे, इस जगह को हम बोलेंगे पी वन नॉट। लेकिन जब दूसरा गिरा बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर केसेस जो हमारे होंगे कि x2 इज इक्वल टू, अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, x2 इज इक्वल टू 0 है और x2 इज इक्वल टू यहां 1 होगा, तो इसका ग्राफ जो मैं बना रहा हूं मैं यहां बनाया इस तरह से, x2 का, तो x2 का इस तरह से गया, तो हमारा जो वैल्यू होगा ये हमारा p2 हो गया और वो हो गया हमारा p2 नॉट, ये हो गया p2 नॉट, ठीक है ना, ये पीटी नोट हो गया। तो पहला जो हमारा ये वन हुआ और ये दूसरा है जो हमने बनाया ये मेरा टू था, रोमन टू था, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में, ये पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, टोटल दिखाएगा पेपर प्रेशर जो हम लोग का टोटल पेपर प्रेशर दिखाएगा, यानी टोटल पेपर प्रेशर पी
टोटल इज इक्वल टू, जैसे आप लिखते हैं पी वन प्लस पी, ये हमारा ग्राफ है, इसी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये जो बता जो ग्राफ है ना वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो द फिगर जो है द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड द बोल्ट फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, द डैशेस लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंटेशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ओके, एंड पी1 एंड पी2 आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स1 एंड एक्स2 रिस्पेक्टिवली। द टोटल वेपर प्रेशर जो है वो लाइन मार्क 3 है इन द फिगर, टोटल वेपर प्रेशर लाइन जो डॉटेड है। तो ये ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देता है। तो आइडियल सॉल्यूशन जैसी बात आएगी तो दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ग्राफ बन गया सबका, सबका हो गया सर? ऊपर में क्या है सर? इधर नीचे वाला लाइन जो एक्स का है मतलब मोर फैक्टर का, ये यहां से स्टार्ट हुआ। हां एक्स1 का हां, और हाइट क्या है? हाइट की वेपर प्रेशर इधर है द मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, ये इधर वाला इधर जाएगा। दो टुकड़ा बनाया है दो कंपोनेंट का, इधर वेपर प्रेशर है आपका कंटेनर बस गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? वेरी गुड। तो आपके सामने तुम लेट में लिखती हो ना, इसलिए तुम्हारा सी छूट जाता है, नीचे का नहीं दिखता है। ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो ये जो हमारा जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन का, और एक बात याद रखेंगे, ये जो ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का है ये एक्चुअली लिक्विड इन लिक्विड, ध्यान दीजिए मेरा टॉपिक ही था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं सी नंबर पे, फिर से ये जो सी है ये हम हटा रहे हैं और आपके सामने ये रख रहे हैं कि ये जो बना, ये जो ग्राफ बना क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड, अब हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। याद रखिए इसके दो भाग हैं, मैंने जैसे बताया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के दो भाग हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड, एक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन, एक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन और एक का नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा बात। एक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे का नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ मैंने जैसे कहा, अब आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो और भी तरीके से बना सकते हैं, दिखाएंगे आपको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, आइडियल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो आज हम बात करेंगे इसी आइडियल सॉल्यूशन पे, और फिर बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में फिर डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये दो बात लेके मैं चर्चा करूंगा। तो हम लोग पहले बात कर लें आइडियल सॉल्यूशन पे। ग्राफ सबका हो गया? ग्राफ सबका हो गया? ओके नाउ आइडियल सॉल्यूशन, ओके आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं आइडियल सॉल्यूशन का तो डिफिनेशन लिख लें आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन है, आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन आप लिखेंगे दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ ओवर द इंटायर रॉड्स लॉ over the entire range of concentration.
बनेगा रॉड्स, आर ए ओ यू एल टी रॉड्स लॉ. ओके ओवर द कानून है सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द रॉड्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज क्या होगा एडियल. वेरी गुड एडियल क्लियर है. अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वो नोट करना. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है सबसे पहले आपको एक बात याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों को कंपोनेंट नहीं है. ये आइडियल सॉल्यूशन भी क्या है ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है. आइडियल सॉल्यूशन भी क्या है बाइनरी सॉल्यूशन है. दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो बाइनरी. तो हमारे लिए फिर से कंपोनेंट है लेकिन याद रखें आइडियल सॉल्यूशन में प्योर कंपोनेंट ए आपको लिखना पड़ेगा प्योर कंपोनेंट ए और उधर कितना होगा प्योर कंपोनेंट बी. प्योर कंपोनेंट बी अब देखिए ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है दोनों मिलेगा तब आइडियल सॉल्यूशन में. तो इसके अंदर अपना एक फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन. तो इस फोर्स को बोलेंगे ए ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी ऐसा जो कंपोनेंट ए के अंदर जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इसका नाम होगा इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन. इंटर मॉलिकुलर सॉलिड सॉलिड नहीं बोला इंटर मॉलिकुलर एट्रैक्टिव. सॉलिड तो नहीं रहेगा ना लिक्विड इन लिक्विड में ना आइडिया होता है याद रखें. हाँ तो इंटर मॉलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ए के साथ में होगा और बी बी जो होगा वो भी इंटर मॉलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा. हाँ कौन बोला ठीक से बोलो माइक में. हाँ इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इसमें भी वही बात लिखेगा इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन. आप समझ सकते हो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन आपका कहा होता है ठीक है ना इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन. ठीक है अगर ऐसा होगा तभी तुम आइडियल सॉल्यूशन बना सकोगे. अगर ये इंट्रैक्शन नहीं आए इंटरमोलिकुलर आपके अंदर अपोजिट बी वाले के अंदर में अगर ये इंट्रैक्शन नहीं हुआ तब तक तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला फेलियर हो जाएगा वो सॉल्यूशन. ठीक है ना तो लाइफ में भी इसका ध्यान रखना जो हम बता रहे हैं क्लियर है. तो अगर ये सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं तो हाँ वेरी गुड वेरी गुड मालूम था कोई समझे ना समझे क्वेश्चन आनंद देने से मिलता है. अगर ये अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ठीक है ना अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन तो इस ये दोनों को मिलाएंगे तो ए भी इंट्रैक्शन बनेगा ए बी ये दोनों सॉल्यूशन को प्योर कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे समझ में आएगा ए बी बनेगा टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन ये भी होगा एक तरह का उन्होंने इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है इंट्रैक्शन. ठीक है ना ये आपका दोनों को मिलाने से ये बना है तो अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में पहला जो पॉइंट होगा कि नंबर वन जो पॉइंट होता है इसके अंदर में वो पॉइंट होता है कि द इंथैल्पी of mixing of the pure component to form the solution is zero. यानी आप जब component A लिए तो इसका अपना enthalpy होगा तो है ना
तो मैंने इसको एच ए मान लिया इनथैल्पी। कंपोनेंट बी है तो उसका भी अपना एक इनथैल्पी होगा, मैंने उसको एच बी मान लिया। तो यहाँ पे ये कह रहा था इनथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो, यानी आप जो लिखे हैं उसका मतलब ये हुआ कि डेल एच मिक्सिंग, ये क्या हो गया डेल एच मिक्सिंग यानी एच ए और एच बी, तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होगा। ये पहला पॉइंट हुआ द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज जीरो, यानी डेल एच मिक्सिंग जो सॉल्यूशन का आएगा इंथैल्पी वो हमेशा जीरो होगा। दूसरा पॉइंट मैं अगर बात करूं वॉल्यूम के बारे में, तो अगर वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा तो दूसरा पॉइंट में लिखाएगा द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग ऑल्सो जीरो, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग यानी डेल वी मिक्स, डेल वी मिक्स इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, याद रहेगा। तो पहला टर्म में बोला गया द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो, आइडियल सॉल्यूशन में दूसरा बात में बोला गया कि डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी सॉल्यूशन का चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। तीसरा जो इसका पॉइंट, इसका मतलब हुआ कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया इट मींस नो हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज या इवोल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स, ये मतलब हुआ पहला वाला पॉइंट, नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व, नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व, याद रखेंगे और इवॉल्व, ठीक है। व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स, व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स, इसमें आइडियल सॉल्यूशन में जब दो प्योर कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाएगा तो मिलाने पर ना ही हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्सॉर्ब होगा। तो कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था कि आइडियल सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या आइसोटोमिक, इस तरह बोला गया था, आइसोटोमिक इस तरह का चार ऑप्शन दिया था। तो ये जो है ना ही हीट एब्सॉर्ब करता है ना ही हीट रिलीज करता है, तो इसको खास ध्यान रखना है आपको इस बात का। दूसरा पॉइंट में है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इक्वल, the volume of the solution should be equal by the sum of the volume of the two components. Yeah, the sum of the solution, the volume of the solution would be equal. इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है आइडियल सॉल्यूशन में,
intermolecular attractive force between the A and BB are nearly equal to those between A and B. This lead to the formation of hydrogen solution. ये बेस एग्जांपल है हाइड्रोजन सॉल्यूशन का, यानी आपका प्योर कंपोनेंट AA और प्योर कंपोनेंट AB में जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस इक्वल होंगे AB के बराबर है, जो प्रूफ करेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया थर्ड नंबर पॉइंट आपको। फोर्थ नंबर पॉइंट, द परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। फोर्थ नंबर पॉइंट, ओके नंबर फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट्स में आपको लिखना है, फोर्थ नंबर पॉइंट्स में कह रहा है कि आपका जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होता है The volume of the solution would be equal to the sum of the volume of two compounds. Okay, clear है? आगे बढ़ते हैं। Number four number point बोलता है, a perfectly ideal solution is A perfectly ideal solution is rare. Is rare. A point we are looking at, but is rare. But some solution are nearly ideal. Okay, are nearly ideal. A perfectly ideal solution is rare, but some solution are nearly ideal. ये point आपको ध्यान में nearly ideal. आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर में example है, हमें example पढ़ाई करनी है कि कौन कौन से ऐसे component हैं जो इस category में आते हैं। याद रखिएगा, इस category में आते हैं। पहला example, number one, solution of n hexane and n heptane. याद रखिएगा, n hexane and n heptane, normal, n मतलब normal heptane, ये इस category में आएगा, n hexane and n heptane. ओके, दूसरा example है b number, हमारा जो example होगा bromoethane and chloroethane, ये ideal solution बना रहा है। C number, इसका example होगा, इसके अंदर benzene and toluene. D number हमारा होगा ethyl bromide and ethyl iodine. ओके, ई नंबर क्लोरोबेंजीन ओके एंड ब्रोमोबेंजीन एंड ethyl bromide, ethyl iodine, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन और आखिरी एग्जांपल है क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन CH3Cl एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl. दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. ओके, n हेक्सेन, n हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, benzene and toluene, ethyl bromide, ethyl iodine, chlorobenzene, bromobenzene, okay, and last one is methyl chloride and dichloromethane. और इसका छठा नंबर जो पॉइंट है, नंबर सिक्स, आइडियल सॉल्यूशन का अगर कैरेक्टरिस्टिक बोला जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं। नंबर सिक्स जो पॉइंट,
नंबर सिक्स में पॉइंट होगा एल एस बिग सी, हमेशा याद रखोगे जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है हमेशा। आइडियल सॉल्यूशन में डेल एस हमेशा पॉजिटिव होगा। और डी नंबर, डी नंबर है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ओके, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ये जितने भी बातें आपके सामने हैं All are ideas harmony. Entropy, del S को enthalpy और del S को entropy, thermodynamics नहीं पढ़े यार। क्लियर है सबको? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए सॉल्यूट का वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन द सॉल्यूट डज नॉट एक्सीड 5% as generally regarded ideal solution. Dilute solution in which the concentration of the solute does not exceed 5% generally regarded as ideal solution. हम लोग उसको ideal solution कहेंगे। याद रहेगा? Clear है सबको? अब graphically representation. Ideal solution का graph तो मैंने बना दिया था आपको। Ideal solution का graph बना दिया था ना? Ideal solution का graph मैंने starting में बना गुड वेरी गुड। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया? यहां से हटा दो, नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सब हो गया सबका टोटल? लिखते हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम चीज देम इक्वेशन लेकिन ओबे नहीं करता, तो इस तरह लिखेंगे व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर से सुनिए, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। When a solution does not obey Rolle's law, over the entire range of concentration. Known as non-ideal solution. No
as non-ideal solution path. Known as non-ideal solution. हम इसको कहेंगे non-ideal. When a solution does not obey Rolle's law over the entire range of concentration, known as non-ideal solution. ये आपको ध्यान रखना है. तो non-ideal solution, the vapor pressure of such solution is either higher or lower than that predicted by Rolle's law. जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ सच ए सॉल्यूशन इज आइदर हायर होगा या लोअर होगा, यानी पी टोटल जो हम निकाले थे वो कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा. इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन एंड इफ इट इज लोअर द सॉल्यूशन एग्जिबिट नेगेटिव. याद रखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका दो डिवीजन है, तो पहले आपको ये बात पॉइंट को याद रखना है. नंबर वन पॉइंट को, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, ओके, इज आइदर ओके is either higher or lower, then that predicted by Rolle's law, predicted by अब इसी से दो डिविजन हो, यानी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द रॉल्स लॉ. अब इसी से हमारा दो टर्म्स निकला, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन. अगर इसके अंदर में इफ इट इज हायर मतलब इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर, याद रखें इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन. तो इफ द वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन एक टाइप हो गया, और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव डेविएशन में आप क्या पढ़ोगे, कि इफ द वेपर प्रेशर इज हायर देन इट इज पॉजिटिव. इफ इट इज हायर मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में, इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन एग्जिबिट. तो ये लास्ट टॉपिक है, तो आप लाइए एग्जिबिट टाइम ओवर पॉजिटिव डेविएशन. और इधर में आएगा इफ इट इज लोअर द सॉल्यूशन इज लोअर द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. तो रॉल्स लॉ नोट ऑफ ए, हम लोग जो लिखते हैं कि रॉल्स लॉ इज नोट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए, यानी ए बी जो है इंटर इंटरेक्शन, जो मैंने बात कहा था इंटर इंटरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम ए ए और बी इक्वल नहीं होगा. ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए ए और बी बी के इंटरेक्शन से अलग होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट आइडियल सॉल्यूशन. क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सर ये इफ हाईली बोल रहे हैं और इसका मतलब वेपर प्रेशर ना. हाँ वेपर, यस हाँ, ये जैसे आप लिखेंगे ना पी ए हमने लिख रहे पार्शियल प्रेशर जो है इक्वल लिखते थे ना हम लोग नॉट, हाँ तो पी वन नॉट एक्स ए ऐसे लिखेंगे हम लोग, यानी पार्शियल प्रेशर जैसे हम लिखते जा रहे थे मोल फ्रैक्शन होता था वहाँ इक्वल होता था नॉट का साइन नहीं होता था, इसी तरह यहाँ लिखेंगे पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी,
ये हमारा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसका दूसरा पॉइंट ये भी होगा, हम लोग देखेंगे एक नंबर पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये भी होगा हमारा कि जो ए बी इंटरेक्शन है जो अभी पढ़ाए थे, ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन होगा, ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल ए ए एंड बी बी, ये भी क्लियर है। तो मैं आपको यानी ए बी इंटरेक्शन आर डिफर फ्रॉम ए एंड बी बी इंटरेक्शन, दिस चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड, देयर विल बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। अब तीसरा जो पॉइंट इसका नहीं हुआ, सबका हो गया ये ऊपर का डेफिनेशन, ऊपर का डेफिनेशन है ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल, ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ओके, नॉट इक्वल टू ए ए और बी बी इंटरेक्शन। अब आते हैं हम लोग यहां पर इसका तीसरा पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है नहीं खत्म हो जाएगा लास्ट चैप्टर में, मेरा दो पॉइंट है डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो और चौदह डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, बस खत्म हो गया, डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो और डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। ओके मेरा भी खत्म, लिखा नहीं जाएगा, डी मैक्स डी मिक्स एच मिक्स जीरो।